तो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स पॉलीनोमियल से हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट टू है, और सॉरी सम ऑफ जीरोज जो रूट टू के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है 1/3, और हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पॉलीनोमियल होती है स्टैंडर्ड, लेट द पॉलीनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है जो कि फॉर्मूले के एतबार से होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये हमें गिवन दिया हुआ है रूट टू के बराबर। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम एज्यूम कर लेंगे ए की वैल्यू को 1। ठीक है, तो जब मैं इसको इसमें ए की जगह पे 1 लिखूँगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है वो एज इट इज़ रहता है, तो बी पे माइनस का सिंबल है वो इस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो बी की वैल्यू आ गई -√2। इसी तरीके से हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो कि सी अपॉन ए के बराबर होता है इसके अंदर, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/3। तो इसमें भी हम एज्यूम करेंगे ए की वैल्यू को 1, तो यहाँ पे सी अपॉन 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो एज इट इज रहता है, तो सी की वैल्यू आ गई 1/3। अब मैं हमारे पास वैल्यूज़ है ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -√2 के बराबर है, और सी की वैल्यू 1/3 के बराबर है। अब इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू है 1x², बी की वैल्यू जो है -√2 है इंटू एक्स, और सी की वैल्यू जो है 1/3 है, तो 1 × x² एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये आ गया। अब मुझे डिनोमीटर से 3 हटाना है, तो मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को तो 3 × x² हो जाएगा, 3 × 2 तो ये हो जाएगा -√2x, और यहाँ से हो जाएगा 3 × 2, तो ये 3/3 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x² -3√2x, और ये 3/3 जो है कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल।